उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, आप लोगों का दिन बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। ये मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे थे, ज़रा थोड़ी बहुत कुछ बच्चों के लेने थे थर्मल्स वगैरह, उसके लिए फिर हम लोग गए। और बहुत ज़्यादा सर्दी थी, ये बहुत ही सर्दी और ठंड का वेदर आजकल चल रहा है, हर कोई बीमार हो रहा है, खांसी जुकाम नज़ला। मुझे तो पिछले 3 वीक्स से ये सब कुछ मेरा चल रहा है, खांसी बुखार जुकाम। मेरे बेटों को भी हुआ, मेरे छोटे बेटे को फिर दोबारा से उसकी तबीयत ख़राब हो गई। फिर हम लोगों ने कुछ कॉफ़ी पी घर आकर, मैंने मेथी का आटा, मेथी के पराठे के लिए थोड़ा सा आटा मैंने उसमें मशीन में गूंदा, क्योंकि मुझे मेथी की रोटियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं, बहुत लाइक करती हूँ मैं। और इसके अलावा फिर मैंने तो खाई शौक़ से, बच्चे कभी कभी खा लेते हैं, इनकी अपनी मर्जी होती है कभी नहीं खा लेते। और ये मेरे बेटे को मिली थी कहीं से, किसी ने दिया, ये गमीज़ है तो बहुत अच्छी इसको लगी। खैर एक एक मैंने इनको दी और बाकी सब मैंने छुपा के रखती। मैंने कहा वीकेंड पे सिर्फ एक एक मिलेगी, क्योंकि टू मच स्वीट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो खैर जस्ट ओनली वन ऑन सैटरडे और संडे, दैट्स इट। और सबसे बड़ी बात ये हलाल भी है, तो खैर अब हम इसे ज़रा संभाल संभाल के खाएंगे मज़े मज़े से। फिर रात में अचानक मैं बैठी हुई, मैंने ऐसे ही वेदर फोरकास्ट देखा तो उसमें स्नो दिखा रहा था। जैसे ही मैंने खिड़की खोल के बाहर देखा तो वहाँ पे स्नो ही स्नो हो रही थी और सब कुछ वाइट हो चुका था। और भाई बहुत ज़बरदस्त वेदर था, बच्चे तो सो चुके थे, बाहर जा नहीं सकती थी बच्चों को छोड़ के, हस्बैंड भी मेरे सो चुके थे। फिर मैंने कहा चलो जी खुद ही देख के थोड़ा सा खुश हो जाओ। खैर दुआ तो दिल में ये कर रही थी कि सुबह जब उठूँ तो स्कूल से मैसेज आया हुआ कि फ्राइडे को स्कूल ऑफ होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। जब सुबह उठी तो मैसेज आया हुआ था टुडे स्कूल इज़ ओपन। तो फिर टूटे हुए दिल के साथ में बच्चों को कैसे लेके गई, क्योंकि छोटे बेटे की तो तबीयत ठीक नहीं थी, और बस ले गई किसी तरीके से। आप लोग देखेंगे अभी नेक्स्ट आगे थोड़ा सा वीडियो में कि इतनी मुश्किल से मैं लेकर गई उसको। हमारे घर के पास एक वो है ट्यूब स्टेशन है, हमें अक्सर यहाँ से ट्रेन वगैरह गुजरती हुई बड़ी नज़र आती हैं, तो लाइटें शाइटें भी उसकी नज़र आती हैं चलती है जब। खैर फिर सुबह जब उठे तो और ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्नो थी, स्नो देख के तो मेरा दिल तो चाहा कि सो ही जाऊं, बट क्या करती, स्कूल तो लेके जाना था बच्चे को। फिर लेकर कई सुबह उठे मुश्किल से, फिर प्रैम चलाते चलाते इतनी ऐसा लग रहा था कि बस अब गिर जाएंगे हम लोग, इतनी स्लिपरी भी था बहुत ज़्यादा। और फिर ऑन द टॉप ऑफ दैट प्रैम भी चलाना था, और फिर बेटा मेरा छोटा वाला बेटा वॉक तो करता है लेकिन वो उसके मूड पे होता है, अगर उसका मूड है देन वो वॉक करता है, अदरवाइज़ वो वॉक नहीं इतनी ज़्यादा करता। और इस किस्म की स्नो में तो उसने कहना था कि मुझे गोद में उठा लो, तो मैंने कहा गोद में उठाने से तो बेहतर है कि मैं इसका प्रेम ही ले जाऊँ, इसकी प्रेम को ही मैं चला लूँगी, इसको नहीं मैं उठा सकती, क्योंकि मुझे वैसे ही अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, बड़ा मसला होता है, मेरे जॉइंट्स बहुत पेनफुल स्पेशली सर्दी के वेदर में हो जाते हैं, फिर बड़े मुश्किल से मेरे लिए बहुत मुश्किल होती है सब चीज़ें। खैर बाकी फ्राइडे का दिन आप लोगों का आज सबका कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का दिन तो बहुत अच्छा गुजरा। मेरे मियाँ के तार में कुछ दर्द था, वो गए हुए थे हॉस्पिटल, उनका अपॉइंटमेंट था, बट अनफॉर्चुनेटली उनका अपॉइंटमेंट उन लोगों ने बताए बगैर कैंसिल कर दिया। और मेरे मियाँ को बहुत गुस्सा आया हॉस्पिटल पहुँच के, उन्होंने कहा कि ये कोई तरीका नहीं है, एक तो उनके एक दाढ़ में दर्द था और फिर अपॉइंटमेंट भी कैंसिल हो गया, बस क्या कर सकते हैं। खैर फिर जब मैं घर वापस आई, घर वापस आने के बाद मशीन से कपड़े निकाल के ड्रायर में डाले, फिर थोड़ा सा बच्चे को छोटे बेटे को मैंने उसे कहा कि चलो कुछ बनाती हूँ नाश्ता उसे देती हूँ, उसे कोशिश की कि अंडा टोस्ट दूँ, बट उसने जो है नहीं खाया।
और ये फिर टोस्ट और ये अंडा वंडा सब मुझे ही मजबूरन खाना पड़ा। फिर मैंने खा लिया, बस अल्हम्दुलिल्लाह फिर दिन अच्छा गुजर गया।